फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यास एकेडमी। और आज हम करेंगे अपने ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर है सेकंड इनसाइड आवर अर्थ, उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रॉक्स एंड मिनरल्स। सो हम पहले रॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट मिनरल्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जो रॉक है, व्हाट इज रॉक बेसिकली? जो रॉक है वो, अगर हम बाहर अपने घर के बाहर कोई भी पत्थर देखते हैं या फिर कभी कभी जो पत्थर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रॉक। एंड यहाँ पे उसका वो भी लिखा हुआ है डेफिनेशन इन इंग्लिश। सो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमारे अर्थ का जो क्रस्ट बनाती है, दैट इज नोन एज अ रॉक। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। सो जो रॉक होते हैं वो सारे एक टाइप के नहीं होते हैं, कोई कोई डिफरेंट कलर के होते हैं, कोई कोई डिफरेंट साइज के होते हैं और कोई कोई डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रॉक्स के टाइप के बारे में। सो रॉक के थ्री टाइप्स होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। सो इग्निशियस रॉक क्या होता है? इग्निशियस रॉक वो रॉक होता है जब जो वोल्केनो होता है वो जब उसमें जो मैग्मा होता है जब वो बर्स्ट, मतलब जब वो बाहर निकलने लगता है, जो हमारा मैग्मा होता है जब वो वोल्केनो से बाहर जब निकलने लगता है, तो उस टाइम जब वो बाहर निकलता है तो वो एक कूल डाउन हो जाता है, मतलब वो फिर ठंडा हो जाता है। जैसे कि अगर ये एक वोल्केनो है, इधर मैग्मा है और इधर से वो बाहर आ रहा है और वो बाहर आके निकल गया, ठीक है, यहाँ पर भी निकल गया, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो कूल्स डाउन हो जाता है, मतलब जब बाहर आता है तो वो कूल हो जाता है और फिर वो एक स्टोन फॉर्म कर देता है और इस स्टोन को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। और जो हमारा इग्नियस रॉक है इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। सो इंट्रूसिव वो होता है जब किसी भी वोल्केनो में जो मैग्मा है वो कभी कभी क्या होता है कि वो अंदर ही बर्स्ट हो जाता है। जैसे कि अगर ये मैं अगर ये वोल्केनो है और अगर ये मैग्मा है तो कभी कभी वो अंदर ही बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, और वो अंदर ही रॉक्स उसमें कूल्स डाउन होके रॉक बन जाते हैं। सो उस रॉक को हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। और जब वो बाहर जाके वो होता है, मतलब निकल जाता है और रॉक बनता है, तो वो बाहर गिर रहा है इसलिए वो एक्सट्रूसिव होता है और वो अंदर हो रहा है ऐसे इंट्रूसिव होता है। सो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जब कभी भी हमारा जो रॉक्स होता है, जब जैसे कि आपने कोई कोई रिवर्स में देखा होगा कि रिवर्स जो होती है वो बहुत ढेर सारे जगहों से आती है तो अपने साथ सॉइल लेके आती है, डेड लीव्स लेके आती हैं और कुछ कुछ टाइप के स्टोन्स भी लेके आती हैं। सो जब ये इतनी ढेर सारी चीज़ें जब ना बेस पे लेवल पे चली जाती हैं वाटर के, एकदम बॉटम लेवल पे चली जाती हैं वाटर के, तो वो एक जगह मतलब सूख जाते हैं और उसको वो जो रॉक बनते हैं उस रॉक को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब कि जो रिवर है और रिवर अपने साथ बहुत ढेर सारी चीज़ें लेके घूमती है, जैसे कि डेड लीव्स, उसके बाद हो गया हमारा स्टोन, डेड लीव्स स्टोन, और उसके बाद हमारा हो गया कुछ कुछ टाइप के, जैसे कि बहुत ढेर सारी चीज़ें भी वो लेके घूमती है। सो वो जब सूख जाते हैं एक साथ, जब एक साथ हो जाते हैं वो सॉइल हो गया, तो जब वो एक साथ हो जाते हैं मतलब मिल जाते हैं तो वो एक रॉक फॉर्म करते हैं और उस रॉक को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, जब बाद में जाके जैसे कि ये रिवर है, हाँ,
और इधर हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, ये हमारा रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है। कैसे बनता है? कि ये जो रिवर है हमारा, इधर से हमें प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और जब नीचे से हमें हीट मिलता है, क्योंकि हमारे अर्थ के नीचे मैग्मा होता है, तो वहाँ से हमें हीट मिलता है। तो जब वो दोनों को ये प्रेस करते हैं जोरों से, मतलब ऊपर से भी वो हमें मिल रहा है प्रेशर, प्रेशर, और हमें नीचे से भी हीट मिल रहा है, तो हम दोनों जगह से एकदम बहुत जोर से हमें प्रेशर, मतलब बहुत जोर से वो होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि यहाँ पे हमें इस इमेज में भी क्या बना है, सेडिमेंट्री रॉक टर्न्ड इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक। जब उन्हें प्रेशर मिलता है और नीचे से हीट मिलता है, हम देख सकते हैं कि वो कितना जोरों से कंप्रेस किया गया है इसे। सो आप ये भी कह सकते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, अगर सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं होगा तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक भी नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट बताया कि रॉक्स क्यों इतने यूजफुल होते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स, फॉर एग्जाम्पल सेवन स्टोन्स, पिट्ठू, हॉपस्कॉच, स्टैपू, किटकिट, फाइव स्टोन्स, गिटी, और फिर हमें और क्वेश्चन भी दिया। तो जैसे कि इसमें हमें बताया कि रॉक्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत ढेर सारी जगहों पे हम, जैसे कि जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो हमें क्या यूजफुल होते हैं, वो हमें रोड्स बनाने में यूजफुल करते हैं, हाउस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, और कभी कभी तो हम रॉक्स के साथ खेलते भी हैं, जैसे कि सेवन स्टोन्स, हॉप स्कॉच, फाइव स्टोन्स एंड एक्सेट्रा। तो हमें यहाँ पे एक रॉक साइकिल केवन है। इस रॉक साइकिल में हमें ये बताया कि मैग्मा से इग्नीशियस रॉक आता है, फिर सेडिमेंट्री सेडिमेंट्स यानी कि जो सॉइल हमारा हो गया, सॉइल, डेड लीव्स, स्टोन, ये सब हमारे सेडिमेंट्स में इंक्लूड होते हैं, और इन्हीं से बनता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से हमारा बनता है मेटामॉर्फिक रॉक, और फिर ऐसे ही ये चलता रहता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिनरल्स। सो रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। जो रॉक है वो किससे बना होता है? मिनरल से। सो जो मिनरल होता है वो हमें, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। जो मिनरल होता है वो हमारे ह्यूमन काइंड के लिए बहुत यूजफुल होता है। मिनरल्स सम यूजेस फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। मतलब ये जो हमारा मिनरल है इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? कोल के लिए, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ मिनरल को यूज़ करते हैं। सो मिनरल भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो रॉक है वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। हमें पता है कि जो रॉक है वो मिनरल से बनता है, इसीलिए दोनों रॉक्स एंड मिनरल्स दोनों इम्पोर्टेंट हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, रॉक्स एंड मिनरल्स। हमने सब चीज़ इसमें कवर कर लिया है, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे वर्ड ओरिजिन गिवन है कि इग्नेशियस रॉक, इसको लैटिन में क्या बोलते हैं, इग्नेस मीनिंग फायर, फिर सेडिमेंट्री का लैटिन क्या है, सेडिमेंटम, फिर मीनिंग सेटल डाउन, फिर मेटाफोरस, ऐसे ही करके यहाँ पे है, और यहाँ पे फॉसिल का ग्लॉसरी दिया हुआ है। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। सो जो डेड प्लांट्स जो रिमेन करते हैं, फिर जो एनिमल्स जो ट्रैप हो जाते हैं, मतलब किडनैप टाइप का बोलते हैं हम उसे, तो ट्रैप हो जाते हैं जब वो लेयर्स ऑफ रॉक्स, उसे हम बोलते हैं फॉसिल। सो दिस वॉज आवर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इवन प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू एंड बाय बाय।